व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब? स्वागत करता हूँ मैं फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक और अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि है पेटीएम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जो पेटीएम ने अभी अपना पोस्टपेड बंद किया था वो फिर से अनलॉक कर दिया है। तो भैया, इन्होंने ड्रामा कर रखा है। अब देख लो, थोड़े दिन पहले पहले बंद करा था, फिर खोल दिया, फिर बंद करा, फिर खोल दिया, अब फिर बंद करके फिर खोल दिया। 6 बार होगी बंद करते खोलते, बंद करते खोलते। भैया, बात ऐसी है, इनके अटक रहे पैसे। अभी अपने पैसे निकालने के चक्कर में, जो RBI की तो ऑर्डर है कैसे बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसे निकालने के चक्कर में उसके अटक पड़े हैं। कभी उसे अनलॉक करे, कभी उसे ब्लॉक करे। अभी धीरे धीरे अपने पैसे निकाल लें इस तरीके से करके। तो भैया, सतर्क रहो थोड़ा, पेटीएम ऐसा तुम्हारे पैसे लेके भग सकता है। थोड़ा ध्यान रखो अभी, कि पेटीएम के साथ चल रही है गड़बड़, तो ज़्यादा पैसे भी पेटीएम में मत रखो। कभी अनलॉक करता कभी लॉक करता। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, इसमें से 200-300 रुपये जरूर निकाल के रखी हो, अगर आपकी लिमिट सही सी है। अगर आपकी लिमिट 10-15 हज़ार है तो भैया 5-6 हज़ार रुपये निकाल के रखी हो, नहीं तो फिर सबका भला हो सके ऐसे, अगर तुम ऐसे निकाल के रखोगे, नहीं तो ये लेके भग जाएंगे सब। भैया थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, हर किसी की लिमिट अलग अलग रखी है। किसी को दिया 200 रुपये की लिमिट, किसी को दिया 350, किसी दिया 750 के, किसी दिए 1000 के, किसी 10 हज़ार के, किसी 20 हज़ार की। तो इन्होंने ऐसी लिमिट दे रखी है सबको। अभी ये लिमिट एक लोन से ही होगा, अगर किसी 20 हज़ार रुपये एकदम मिल जाए तो 20 हज़ार रुपये निकाल लिए उसने ऐसे करके। अब क्या होगा पेटीएम का भैया, जब पैसे गए 20 हज़ार रुपये, तो उसने क्या करा, पैसे निकालने के लिए जो अभी ये नया ऑफर चला दिया। मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें मेरा जो पेटीएम पोस्टपेड वो लोग है, उसमें 750 रुपये की लिमिट है। अब मैंने उसमें 500 रुपये निकाल रखे हैं पहले, अभी तक मैंने पे करना है। पहले तो मेरा ऑप्शन जो आ रहा था वो होल्ड वाला, वो आपको पता होगा, आपने देखा होगा जो पेटीएम यूज़ करते हो, वो होल्ड वाला। अब देखो यहाँ से हट तो चुका है वो, पर लेकिन मैं जैसे पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, कोई रिचार्ज वगैरह करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा पेटीएम पोस्टपेड का। तो भैया मेरे साथ तो हो गया ये, अब तुम देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। किसी किसी का ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे एक दोस्त का था, वो उसका ऑप्शन अवेलेबल है, रिचार्ज भी हो रहा है उसका, सारे काम हो रहे हैं, मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, इनका दिमाग चला हो गया। भैया थोड़ा ध्यान रखना, सतर्क रहना इनसे, ये हो गए पागल, इन्होंने चला दिया सबका दिमाग। 7-7 रुपये और 5-5 रुपये के तोहफे दे रहे हैं ये, और फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे। पेटीएम पोस्टपेड कभी अनेबल कभी डिसेबल, भैया पेटीएम तो होगा पागल। इस पेटीएम पोस्टपेड चक्कर में इसने सारे ऑफर देने बंद कर दिए, और अब ये किसी काम कर रहा। अब तुम चाहो तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो, और भैया देख लियो अपने हिसाब से, करो तो कर दे, ना तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो इससे सतर्क रहना, क्योंकि ये बस इसीलिए आया है अभी, मेरे हिसाब से तो इसीलिए आया है क्योंकि ये पैसे निकालना चाहता है अपने। अब पैसे निकालेगा और चल फिर दोबारा अनलॉक कर देगा, इसको डिसेबल कर देगा, क्योंकि भैया RBI की तरफ से पूरे पूरे ऑर्डर है कि इसको जो बंद कर दो। पर लेकिन ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनके तो पैसे अटके पड़े हैं अभी। तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, RBI को पता चल जाए बंद कर दिया भाई, फिर थोड़े टाइम के लिए फिर खोल देंगे, क्योंकि पे वे कर दे अपने पैसे, इस चक्कर में आ गए। फिर अब हो सके कल परसों फिर बंद कर दें। तो भैया इनके चक्कर में थोड़ा कम मानो, ये बहुत वे कर रहे हैं। पर लेकिन एक ऑफर और निकल के आया था इनकी तरफ से, मैंने देखा, मैंने काफ़ी सारे अकाउंट चेक करे मेरे पेटीएम पोस्ट पर, कई सारे अकाउंटों पर, तो सबके तो टेम्प्रेरी अनअवेलेबल कर दिए इन्होंने। इसका एक का चालू रख रखा है, उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। भैया हमारे साथ तो हो गए खेल, चलो तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या खेल हो रहा है पेटीएम के साथ। अब भी ये मतलब बस कुछ यूज़र्स को दे रहा है अपने पेटीएम पोस्ट पर का जो वो है, और बाकी सबसे बस पैसे लेने के लिए तैयार बैठा है, बट बाकी जो पैसे वो निकालने के लिए नहीं। उसमें 249 रुपये कुछ पड़े, मैं सोचा कल रिचार्ज कर लो 149 का, तो मुझे अवेलेबल ही नहीं मिला। तो ये चक्कर चल रहा पेटीएम पे, पैसे लेने के लिए आया, वो ध्यान रखना। कभी सोचो गया या अनलॉक हो गया, द्वार चल गया, पैसे निकाल के रखना, पूरे पैसे दे मत देना इसे, अगर आपको चलाते रहना दे। चलो बाकी अगर ईमानदारी की बात है तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी दे दूँगा, अभी तो मेरे पास है नहीं, जब होंगे दे दूँगा मैं भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेटीएम कर रहा है, चालाकी इस टाइम कर रहा है, चालाकी ज़्यादा दिन तक काम ना आएगी। और इन्होंने अभी एक ऑफर भी लॉन्च करा जो किसी को पता भी नहीं होगा। एक्चुअली मैंने बहुत सारे पेटीएम अकाउंट है मेरे पास, तो मैंने बहुत सारे पेटीएम अकाउंट अपने खोल के देखे, वन बाय वन सब में ऑफर चेक किया, सब में सब कुछ चेक किया, पोस्ट पेड से रिलेटेड कुछ भी मुझे मिल जाए थोड़ा बहुत। भैया घनी ढूंढने के बाद मुझे एक ऑफर मिला एक मेरे अकाउंट में, दरअसल उस पर पेटीएम मर्चेंट नहीं बन रहा था। तो भैया जिन पे जिनका जिस जिनके पास ऐसा कोई अकाउंट है जिस पर पेटीएम मर्चेंट ना बन रहा हो अभी, तो उस पर एक ऑफर जो लॉन्च हुआ है उसमें एक ऑफर है 7 पे 250, यानी कि आप 7 ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मिलेंगे 250 रुपये कैशबैक। तो भैया 7 ट्रांजेक्शन करने पे आपको 250 रुपये तक मिल सकता है, 250 रुपये नहीं मिलेंगे, 250 रुपये तक, लेकिन 90 रुपये तो आपको कन्फर्म मिलेंगे, क्योंकि जो पहले ट्रांजेक्शन है उस पर आपको मिलेंगे 30 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में कैशबैक, यानी कि 30 रुपये तो कन्फर्म हो गए। ऐसे जो 2 रुपये कुछ नहीं मिलेगा, फिर तीसरी ट्रांजेक्शन पर आपको 25 रुपये से लेकर के 75 रुपये के बीच में कैशबैक। ऐसे आपको 5वें ट्रांजेक्शन पर फिर आपको मिलेगा 20 रुपये से लेकर के
₹50 तक का कैशबैक, और फिर लास्ट में 25 तक का कैशबैक मिलेगा। तो कुछ ऐसा करके टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है मैंने। मेरा वो अकाउंट पेटीएम मर्चेंट पर नहीं था बिल्कुल भी, मैंने उसमें 3-4 तरह से ट्रांजेक्शन करके देख ली, पर मेरी अकाउंट हो गई थी। अब तुम देख लेना भैया तुम्हारी अकाउंट हो जाए तो। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, लिखा हुआ था ये दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली पेटीएम नॉन पेटीएम मर्चेंट यूजर्स। चलो भैया हम पेटीएम नॉन पेटीएम मर्चेंट यूजर थे उस अकाउंट पे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अमेजोन पे करो, या तो अमेजोन UPI ID पे या फिर किसी और UPI ID पे करो, जो उन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। आप टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर देख लेना अगर आपके ऑप्शन में शो कर रहा हो तो। भैया वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो हमने सब तरीके से करके देख लिया, अमेजोन वाले पे भी करके देख लिया, सब करके देख लिया, पर ऑफर काउंट नहीं कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं पेटीएम वाले, इनके चक्कर में थोड़ा कमा हुआ भी ये धोखाधड़ी के में लगे हुए हैं मेरे हिसाब से। तो अब ये जितने इन्होंने दिया ना पहले पेटीएम फर्स्ट चला के, पेटीएम फर्स्ट टाइम लगे चला के, 1 मंथ चला के, ये सारा लेने के चक्कर में है अभी। तो इनका थोड़ा ध्यान रखो भैया, ये बस क्या कर रहे हैं बस, हमें कुछ नहीं पता किसी अभी। भाई कभी भी अनलॉक कर दे, कभी भी अनलॉक कर दे भाई, कौन सा RBI इनके चक्कर में बैठा हो जो डेली ने बताया कि भैया आज इसे चलाओ और कल को इसे अनलॉक कर दो, आपके पैसे मिल जाएंगे। भैया ऐसा कुछ ना है, ये लगे पड़े आप देख लेना, इन हिसाब बताओ अपना। तो ठीक है भैया, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई वो ठीक है। अच्छा वो ऑफर देख लो कैसे आएगा, आपको सीधा जाना है कैशबैक सेक्शन में। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे UPI ID का ऑप्शन आएगा, UPI ID पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो आपको ये ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा 7 पे 250 वाला। तो भैया इसे आप अनलॉक कर लेना, एक्टिव कर लेना, अगर हो सके आपकी अकाउंट हो जाए तो देख लेना कर करके। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी पढ़ लेना, उसमें जो लिखी हुई है अमेजोन के लिए बोला हुआ है इसने कि अमेजोन UPI ID में आप पे कर सकते हो। तो मैंने तो अमेजोन UPI ID में 2-3 बार पे कर लिया, मेरी तो ट्रांजेक्शन 1 बार भी काउंट ना हुई और अब भी काउंट ना हुई है। अब हो जाएगी आगे तो मैं आपको बता दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर वीडियो में थंबनेल चेंज कर दूंगा। ठीक है भैया, तो देखते रहना अब ये ऑफर जो मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट्स में कुछ ऐसे सजेशन देना हो, कोई बात कुछ भी कहनी हो तो भैया ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।